हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का डिटेल्ड सिलेबस जानने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि कक्षा 10 2023-24 का सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज़ों को समझते रहें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग माँ सरस्वती का अभिनंदन करें और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद हम एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आई होप आपने अभिनंदन कर लिया होगा। अब हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कक्षा 10 के विज्ञान को टोटल 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहली इकाई है जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। यह इकाई जो है पूरा रसायन विज्ञान पर आधारित है, यानी कि इस इकाई में आपको रसायन विज्ञान से संबंधित चीजें पढ़ने वाली है। रासायनिक विज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में हम अब आगे धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। तो पहली इकाई का नाम है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आपको कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है और क्या नहीं डिस्कस करना है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी पहली टॉपिक है रासायनिक समीकरण, इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी आपको पढ़ना है। तो यानी कि इस चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित चीजों की बात करनी है। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार आप देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद अपघटन का मतलब टूट जाना, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक तत्व दूसरे तत्व की जब स्थान ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी तरीके से जब दो तत्व अपने स्थानों का इतना बदली करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनी अवकरण अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया, जिसमें से आपको अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को डिटेल से समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। इस टॉपिक में आपको क्या नहीं पढ़ना है तो वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस टॉपिक में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था संचारण, संचारण, और दूसरा टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये दो टॉपिक अब की बार आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। संचारण का मतलब आप समझते हैं धातुओं का खराब हो जाना, जैसे लोहे पर जंग लगना संचारण का एक उदाहरण है। उसी तरीके से विकृत गंधिता का क्या मतलब होता है, जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं वो समय बीतने के साथ साथ खराब होने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से कैसे चीजों को बचाया जाता है और विकृत गंधिता में मतलब चीजें कितने समय बाद खराब हो जाती हैं और उनको वैसे प्रिजर्व करना है, इन चीजों को आप समझते हैं। तो पहले चैप्टर में ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर आपके सामने है वो है अम्ल क्षार तथा लवण। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अम्ल क्या होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार क्या होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण क्या होता है जो स्वाद में नमकीन जैसे लगते हैं, उनको हम लवण बोलते हैं। ये तो इनके स्वाद के आधार पर डिफिनीशन है, बट ये डिफिनीशन 100% सही नहीं होती है। तो इस चैप्टर में आप इनकी ट्रू डिफिनीशन मतलब बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि अम्ल की परिभाषा क्या होगी, क्षार की परिभाषा क्या होगी
और लवण की परिभाषा क्या होगी, बेस्ड ऑन द एच प्लस और ओ एच माइनस आयनों के आधार पर। अगला टॉपिक आपके आता है सामान्य गुणधर्म, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो उनके गुणों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है उनके उदाहरण तथा उपयोग। इसके बाद आता है आपका पीएच पैमाना की अवधारणा। तो यहाँ पर आप अम्ल क्षार के अलग अलग अम्लों अलग अलग क्षारों के पीएच मान निकालना सीखेंगे और पीएच मान के आधार पर आप बताएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है अथवा कौन सा पदार्थ क्षारीय है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व होता है, यानी कि पीएच के आधार पर आप किन पदार्थों को अम्ल बोलेंगे और किन पदार्थों को क्षार बोलेंगे, इन चीजों के बारे में यहाँ पर आप सीखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपको इसके बनाने की विधि पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तथा इसका दैनिक जीवन में आप क्या क्या उपयोग करते हैं, उन चीजों के बारे में आपको समझना होगा। नेक्स्ट है आपका विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण आप जानते होंगे, यह क्या काम करता है, कलर को उड़ा देता है। जैसे आपके शर्ट में अगर कोई कलर है तो इसके माध्यम से उसको आप कलरलेस कर सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण को बनाना, बनाने की विधि, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोग, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा और बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में वैसे आपका कुछ नहीं कटा है, लगभग सब चीजें आपको कवर करनी ही है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप यही पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, धातु का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधातु का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं। तो क्या आपको पढ़ना है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, मतलब इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है कि धातु देखने में कैसी लगती है, वो किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन करती है, उसी तरीके से अधातु देखने में कैसी लगती है और वो किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन करती है। धातु का मतलब आप क्या समझते हैं, चमकदार, जो धातु क्या होती है, प्राय चमकदारी होती है, और अधातु क्या होती है, इनकी अपेक्षाकृत कम चमकदार होती है। जैसे आप कभी सैलून में जाते हैं तो आप सैलून से जब बाहर आते हैं मेकअप करा के, तो आप क्या बन जाते हैं, धातु बन जाते हैं, यानी चमकने लगते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो धातुओं में ज्यादातर चमक होती है, अधातु जब आप बाहर जाते हैं आपका फेस वायुमंडल से रिएक्ट करता है तो आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है, फिर आप क्या हो जाते हैं, अधातु हो जाते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सक्रियता श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज अगर आप यहाँ पे समझते हैं तो आपको आने वाले क्लासेस में इस चीज से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आने वाले क्लास में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं, तो इस टॉपिक पर हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर आपको पढ़ना है आयनिक यौगिकों का निर्माण गुणधर्म। आयनिक यौगिक का मतलब जब दो आयन आपस में जुड़ करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसा कि धातु ये खुद आयन होता है और अधातु क्या होता है, ऋणायन होता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार का जो यौगिक बनता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो ये बनते कैसे हैं, उनके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कौन ग्रहण करता है, और इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में आप इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है धातु कर्म की आधारभूत विधियां। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, क्या ये धातुएं आपको एज इट इज मिलती है, तो जवाब है नहीं। इन धातुओं को हम पृथ्वी से जब निकालते हैं तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। अब उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनपे जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है, वो उन चीजों को आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, धातु कर्म की आधारभूत विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप घर पे ही इसका एग्जांपल देखते हैं, जब आपके घर पे पहले मम्मी जब आपका चावल बनाने जाती है तो चावल बनाने से पहले उसके अंतर्गत जो अशुद्धियां होती है, उसमें जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको धो करके या फिर उनको अच्छे से फटकार करके उसमें से अशुद्धियों को निकाल ली जाती है, फिर सही चावल आपको दिया जाता है। इसके बाद भी उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है तो आप बोलते हैं मम्मी आपने चावल सही से नहीं बनाया है, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर आप उसी तरीके से धातुओं में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे।
तब आप समझ पाएंगे कि जो लोहा आप यूज कर रहे हैं ये आपको पहले कैसे मिलता है और अब आप यूज कर रहे हैं तो अब आपको वो कैसा दिख रहा है। इसी तरीके से अन्य धातुओं भी कैसे शोधित किया जाता है तो उनके बारे में इसमें आप पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता था संक्षारण, तो जैसा कि ये पहले चैप्टर में पहले हुआ करता था तो अब इस चीज को आपको इस वाले चैप्टर यानी कि तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के अंतर्गत संक्षारण को पढ़ना है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बनिक यौगिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है आपके लिए। इस चैप्टर को अगर आप यहां पर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप जैसे ही 11th 12th में जाएंगे तो इसकी एक आपको अलग बुक मिलेगी और उस बुक में आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि जब तक आप यहां पर चीजों को अच्छे से नहीं समझे रहेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन यानी कि न्यू है। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा जिससे आपके आने वाले क्लासेस में चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार आपका होता है 12। और यह कार्बन पूरे पीरियाडिक टेबल में एक ऐसा ही तत्व है जो इतने इतने अधिक यौगिकों का निर्माण करता है जिसकी वजह से इसकी एक अलग साइंस बना दी गई है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। और इस चैप्टर में आपको कार्बनिक रसायन की जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको फाउंडेशन बेहतरीन करना है तभी आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूत आगे बनेगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको डिस्कस किया जाएगा आपके लिए। तो यहां पर आप टॉपिक देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दो तत्व तो आपस में जुड़ जाते हैं। शेयरिंग का मतलब आप समझते होते हैं हिस्सेदारी। जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक खरीदना है, आपको उस बुक के लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप दो लोग मिलकर आधा आधा पैसा देके बुक को खरीद लेते हैं तो दोनों का काम चल जाता है। तो उसी तरीके से जो कार्बन होता है वो दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे करके और उससे इलेक्ट्रॉन ले करके आपस में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम कार्बन के क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और इस प्रकार का जो आबंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। मतलब कार्बन जो है इसकी सर्वतोमुखी का मतलब हर एक तत्वों के प्रति जुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसे ही बोलते हैं सर्वतोमुखी प्रकृति। नेक्स्ट आता आपका सजातीय श्रेणी। मतलब एक ही जाति के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जैसा कि आपने नाम सुना होगा एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। गांव समाज में भी होता है, जैसे यादव परिवार का एक जाति हो गई, इसी तरीके से सिंह परिवार का एक जाति हो गई, उसी तरीके से कार्बन के यौगिकों की भी अलग अलग जातियां होती हैं। तो उन जातियों के बारे में यहां पर हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। नेक्स्ट आता आपका प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिक। तो यहां पे आप क्रियात्मक समूहों के बारे में समझेंगे, यानी कि क्रियात्मक समूह कुछ ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ लग जाते हैं तो उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुणधर्म को ही बदल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव पार्टियां चलती हैं तो उसमें हर एक पार्टी के कुछ ना कुछ चुनाव चिन्ह होते हैं, उसी तरीके से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके परिवार के भी कुछ चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे जब आप एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो चुनाव चिन्ह होता है यानी कि इसको जो पहचानने का जो तरीका होता है, जो परमाणु होते हैं वो होता OH। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिकों में OH आपने जोड़ दिया तो वह अपने परिवार को छोड़कर एल्कोहल का परिवार बन जाता है। जैसे पार्टियों में होता है ना, कोई नेता अगर कि बीजेपी में है तो उसको छोड़कर अगर सपा में चला गया तो उसका चुनाव चिन्ह बदल जाता है। उसी तरीके से कोई भी आपके पास कार्बनिक यौगिक है, हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया CH4 जिसको आप बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। अगर इसको हमें OH परिवार से जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसके इसमें OH को ऐड करेंगे। तो OH को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, OH जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने के बाद यह जो यौगिक आपका बनेगा CH3OH, अब यह एक एल्कोहल परिवार का यौगिक हो गया।
जिसे आप बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से जो क्रियात्मक समूह कई सारे होते हैं, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझने को मिलेगा कि कौन कौन से यौगिकों का चुनाव चिन्ह क्या क्या होता है, यानी कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं और उनके चुनाव चिन्ह यानी कि उनके प्रतीक क्या क्या हैं, आप डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप देख लिए प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइन। हालांकि यहां पर आपको सारा डिस्कस नहीं करना है, आपको कुछ ही क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पीरियाडिक टेबल के अंदर आपके 17वें ग्रुप में आते हैं। 17वें ग्रुप में जितने भी तत्व आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम हैलोजन बोलते हैं। फिर आपका आता है एल्कोहल, इसका चुनाव चिन्ह अभी आपको हमने बताया OH होता है। कीटोन CO, एल्डिहाइड CHO, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र आप जानते हैं CnH2n-2 होता है। इसके बाद आपका आता है कि नाम पद्धति, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने की पद्धति आप सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि IUPAC एक नाम होता है, तो कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है और भी कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने के क्या क्या तरीके हैं, वो भी आप डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनमें अंतर क्या क्या होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। संतृप्त का मतलब जिसका पेट पूरा भरा हुआ हो, असंतृप्त का मतलब जिसका पेट खाली हो। तो टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़ना, दहन का मतलब होता है जलाना। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक की आप जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, संकलन मतलब उनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन चीजों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यह जो चैप्टर है यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन की नींव है। इस चैप्टर को आप पढ़ना ना भूले, अच्छे तरीके से चीजों को समझे, ताकि आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो यहां तक आपको चीजें अगर क्लियर है तो हम आगे अब बढ़ते हैं। आर यू रेडी? तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके मतलब उसी चैप्टर में कुछ और टॉपिक है, जैसे कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत, एथेनॉल एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि और इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, साबुन तथा अपमार्जक क्या होते हैं। तो साबुन किस तरीके से कपड़ों को साफ करता है, अपमार्जक क्या होते हैं, किस तरीके से कपड़ों की सफाई करते हैं, इन चीजों के बारे में भी आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहां पर आपका इकाई 1 कंप्लीट होता है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान से संबंधित चीजों को पढ़ना है और टोटल आपके 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें एक चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। जिस चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी तथा आवर्तिता, तथा आवर्तिता, ये चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है अब की बार के लिए, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। यह भी चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इस चैप्टर के बारे में आप जैसे ही 11th में जाएंगे तो दूसरे या तीसरे चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को हाई स्कूल से हटा दिया गया है, क्योंकि 11 में आपको पढ़ना ही होता है। तो आपको रसायन विज्ञान में क्या नहीं पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा, एक चैप्टर कंप्लीटली हटाया गया है और आपको कुछ टॉपिक जो आपने देखा वो आपको नहीं पढ़ना था। अब हम बढ़ते हैं विज्ञान के दूसरे पार्ट, जीव विज्ञान की तरफ। तो अब आ जाता है आपके पास इकाई 2। इकाई 2 में आता है पहला जो इकाई 2 है जिसका नाम है जैव जगत। तो इस इकाई में आप बायोलॉजी के बारे में यानी कि जीव विज्ञान के बारे में चीजों को पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीजों को अब डिटेल में हम समझते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चीजों को समझते रहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहला चैप्टर यानी कि जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर आएगा उसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है,
सजीव, सजीव क्या होते हैं, पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, इन चीजों के बारे में आपको यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि आपको अगर जिंदा रहना है, सजीव रहना है, तो आप किस प्रकार की प्रक्रियाएं डेली लाइफ में करते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। तो इसी चैप्टर से ज्यादातर बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है या फिर पौधों का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई भी प्रक्रिया रिएक्शन आती है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो उसके पीछे आपके सेंस कैसे काम करते हैं। आपके लाइफ में कुछ प्रक्रियाएं ऐसे भी होती है जिसे आप न चाहते हुए भी करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसा कि यहां पे आप वर्ड देख रहे हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आपका आंख झपकना, तो आंख झपकने के लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता, यह ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, अचानक आपके सामने अगर कोई आ जाता तो ब्रेक अपने आप लग जाता, आपको सोचना नहीं पड़ता कि हम ब्रेक लगाएं। तो ये सब क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो इस चैप्टर में आप अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो काम करता है, उन चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहां पर आप समझ पाएंगे कि आपका ह्यूमन माइंड जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, और इस चीज को अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से तो आपके लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ हमारा दिमाग ही होता है, हमारे थॉट्स ही होते हैं, और वो थॉट्स बनते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं, और अपने सोचने के ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप पढ़ना ना भूलें, बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर आपको पढ़ाया भी जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है कि अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि पौधों और जंतुओं में किस प्रकार से प्रजनन होता है। छोटे जीव यानी कि जो एककोशिकी जीव होते हैं, बड़े जीव यानी कि जो बहुकोशिकी जीव होते हैं, वो किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, प्रजनन कितने प्रकार का होता है, प्रजनन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इन सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन दो ही प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक होता है और एक होता है अलैंगिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं एचआईवी एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। यानी कि इस चैप्टर में आप मोटा मोटा क्या समझेंगे, यानी कि जनसंख्या बढ़ाना कैसे है, बाद में आपको बता दिया जाएगा फिर जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करना है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। हम अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कुछ लक्षण होते हैं वो हमारे माता पिता से मिलते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं वो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ जाते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता के लिए मेंडल ने अपना क्या योगदान दिया है, इसके बाद लक्षणों की वंशागति नियम, यानी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, इन चीजों के बारे में आप समझेंगे। लिंग निर्धारण, यानी कि आप समझ पाएंगे कि प्रजनन जब अगर किसी को होने वाला है तो उसको लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीजों को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। संक्षिप्त परिचय आपको समझना है। इस चैप्टर में एक और टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम है जैव विकास, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं जैव विकास, जिसमें आप पढ़ते थे लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की थियरी सिद्धांत, यानी कि जीवों ने अपना विकास किस प्रकार से किया है या जातियां किस तरीके से बनती है, उन चीजों के बारे में इसमें आपको पढ़ना होता था, तो ये कंप्लीटली हटा दिया गया है। इस चैप्टर का पार्ट वन ही आपको पढ़ना है, अनुवांशिकता केवल पढ़ना है, जैव विकास आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि इससे रिलेटेड सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई की तरफ, यानी कि यहां पर आपका इकाई टू यानी कि जीव विज्ञान खत्म होता है। अब आता है इकाई थ्री, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं समृतियां। ये इकाई जो है यह भौतिक विज्ञान से संबंधित इकाई है,
यानी कि इस इकाई के अंतर्गत जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो इस इकाई के अंतर्गत जो टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उन पे हम डिस्कस करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा वो लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित चैप्टर मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि पहली टॉपिक आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण क्या होता है, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है, बहुत ही सिंपल और इजीस्ट वे में आपको बताया जाएगा और ट्रिक के साथ बताया जाएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट आपके पास आता है वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन आपको नहीं करना है, आवर्धन यानी कि दर्पण सूत्र आपको पढ़ लेना है और उस पर क्वेश्चन करने हैं, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन आप आगे की क्लासेस यानी कि ट्वेल्थ में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीजें हैं। इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश से संबंधित एक और घटना है जिसका नाम है अपवर्तन। तो अपवर्तन में परावर्तन अपवर्तन लगभग चीजें मिलती जुलती होती है, इनको हम एक दूसरे से मिसमैच करके पढ़ सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं। जिस तरीके से परावर्तन का नियम होता है उसी तरीके से अपवर्तन का भी एक नियम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है, इसमें भी आपको सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं पढ़नी है, केवल आपको फार्मूला पढ़ना है और फार्मूले पे आपको क्वेश्चन करने हैं। आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटा बम बड़ा धमाका, यानी कि अगर लेंस छोटा है तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी और लेंस अगर बड़ा होगा तो उसकी क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपको एक फार्मूला मिलता है पी जो होता है वो बराबर होता है 1/f के, यानी कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी। तो यहां पर चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, यानी कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है मानव नेत्र वाला चैप्टर है, इसमें आपको इन चीजों के बारे में डिस्कस करना, मानव नेत्र में लेंस का क्या काम है, यानी कि मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्रोइड, रेटिना, कार्निया ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दृष्टि दोष आप देखिए होंगे कि आपके गांव घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो उनके चश्मे में एक विशेष प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, वो या तो उत्तल हो सकता है या तो अवतल हो सकता है, तो उनके आंख में किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लगाया जाता है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्लियर कट समझ पाएंगे कि किनको किस लेंस की जरूरत है, यानी कि किनको उत्तल लेंस चाहिए और किनको अवतल लेंस चाहिए, ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। फिर लेंसों के अनुप्रयोग क्या क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि आप प्रिज्म देखे होंगे, प्रिज्म जो होता है वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है लेकिन त्रिविमीय संरचना होती है, यानी कि इसमें तीन विमाएं होती हैं, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और इससे संबंधित प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग क्या क्या है, यहां पर आप सीखेंगे, यानी कि इन टॉपिक में आप समझ पाएंगे कि सुबह के समय जब आप देखते होंगे तो सुबह सन के चारों तरफ लालिमा दिखाई देती, यानी कि रेड कलर का वातावरण दिखाई देता, उसी तरीके से जब सन सेट हो रहा होता है यानी कि सूर्यास्त हो रहा होता है तो उस समय भी आपको लालिमा दिखाई देती है, ये क्यों होता है, और दोपहर में आप देखते हैं कि पूरा आकाश एकदम साफ दिखाई देता है, व्हाइट कलर में दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों होता है, इन चीजों के बारे में आप यहां पर समझने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आया होगा, यानी कि यहां पे आपको चैप्टर नंबर मतलब फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 आपने यहां पर समझ गए, यानी कि परावर्तन अपवर्तन प्रिज्म द्वारा परावर्तन और उससे संबंधित घटनाएं। आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं कि आपको और क्या चीजें आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट इकाई आता है विद्युत का प्रभाव। यह भी इकाई फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। यह भी इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इकाई से रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन आपको आगे वाले क्लासेस में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर बेसिक चीजें आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर तथा विद्युत धारा में क्या संबंध है, ओम का नियम, ओम का नियम आप सुने होंगे, ओम्सला क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो जब आप साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहां से आपका ओम का नियम निकल के आता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आप दौड़ रहे हैं तो आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रहा है तो वो क्या है, प्रतिरोध है। इसी प्रकार से जो करंट होती है वो वायर में क्या करती, तार के अंतर्गत फ्लो करती, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है पदार्थ का जो मेटीरियल होता है, पदार्थ का जो गुण होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोधकता क्या होता है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जिन चीजों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन यानी हाँ यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर विभवांतर लिखा गया है, जब जो कि होता है विभवांतर, विभवांतर यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवों का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। हिंदी थोड़ी बहुत तो आपको आती होगी, इसे संधि विच्छेद कर लीजिए, ये खुद बता रहा, विभव अंतर, दो पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पर विभव क्या है, आप इसको इस तरीके समझ लीजिए, एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, यहां पर कुछ विभव मान लीजिए ए है, यहां पर कुछ विभव मान लीजिए बी है, तो इन दोनों विभवों का जो अंतर आएगा उसी को हम बोल देंगे विभवांतर, सिंपल सी बात है। तो डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि किस चालक में प्रतिरोध ज्यादा होगा, किस चालक में प्रतिरोध कम होगा, तो इन चीजों को समझने के बाद आप कम प्रतिरोध वाला और ज्यादा प्रतिरोध वाले तारों के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का एक तार लेके आइए, कॉपर का एक तार लेके आइए, तो एल्युमिनियम के तार में प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा, जल्दी खराब होगा, और कॉपर के तार में प्रतिरोध कम होगा, वो थोड़ा लंबे समय तक टिका रहेगा। प्रतिरोधकता का मतलब तार आपका कितने समय तक चलेगा, प्रतिरोध ज्यादा तार घटिया, प्रतिरोध कम तार अच्छे किस्म का होगा, तो प्रतिरोध यही आपको बताता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि आप अपने घर में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ते हैं ना, एसी, कूलर, फ्रिज, लाइट, उन्हें किस क्रम में आपको जोड़े, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि हमें उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना उचित होगा या फिर समांतर क्रम में जोड़ना उचित होगा, तो ये चीज यहां पर आप समझेंगे। दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, वही चीज है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि घर पे आपका तार गर्म हो जाता है, तो आखिर वो गर्म क्यों होता है, इसका मतलब है कि विद्युत के अंदर उष्मा का भी गुण होता है, तो वो प्रतिरोध के कारण ही आता है, तो इसको भी डिटेल में हम चैप्टर के अंतर्गत ही समझेंगे। दैनिक जीवन में उपयोग विद्युत शक्ति, पीवीआई, पी फॉर पावर, वी फॉर विभवांतर, आई फॉर धारा, इनके बीच तथा प्रतिरोध के बीच क्या आपस में संबंध होते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिलेगा, और यहां से ज्यादा मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बनते हैं इन फार्मूलों के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जो करंट होती है उसके कारण चुंबक भी बनता है, यानी कि जो करंट बहती, करंट का मतलब हम जब भी करंट की बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर चीजें जो संभव हो पाई है उसके पीछे का जो मेन मास्टरमाइंड है वो इलेक्ट्रॉन है। आप इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे, आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उन सभी चीजों में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ही बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी पदार्थ के अंतर्गत विद्युत का गुण तथा चुंबक का गुण आता है। आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, और ये चक्कर किस तरीके से लगाती है, तो दो गतियां ये करती है, एक गति इसकी होती है वृत्तीय गति होती है, एक कौन सी गति होती है वृत्ति, और दूसरी गति ये अपने एक्सिस के अबाउट करती है जिसे आप बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरीके से
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी परमाणु के अंतर्गत न्यूक्लियस फार नाभिक का चक्कर लगाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके की गति करता है, गतियां जो इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण किसी पदार्थ में आपको गुण देखने को मिलते हैं, विद्युत का गुण और चुंबक का गुण। यानी कि आप यूं समझ लें कि किसी भी पदार्थ में चुंबक का गुण है तो उसके पीछे कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ में करंट प्रवाहित हो रही है उसके पीछे का भी कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन चीजों के बारे में आप समझेंगे यहां पर। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, मतलब कोई तार है उसमें करंट प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो वो कैसे होता है इसके बारे में भी समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, यानी कि आपने चुंबक रखा हुआ है और उस चुंबक के बीच में ये कह रहा है कि जैसे आपने मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया चुंबक लगाकर, नॉर्थ साउथ पोल रख दिए, एक तरीके का चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। इसमें अगर आपने कोई तार रख दिया जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है तो इस तार के ऊपर एक बल लगेगा जिसे हम बोलेंगे चुंबकीय बल। तो उस बल का फार्मूला क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन चीजों के बारे में भी हम इसमें समझेंगे। तो धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसे हम लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यानी कि यह बताता है कि बल की दिशा क्या होगी। अगर आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा तो उसके ऊपर बल तो लगेगा लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा वो ये बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर क्या होता है, तो विद्युत मोटर आपके घर पे हर एक चीजों में उपयोग होता है, जैसे पंखे में भी एक मोटर की तरह ही लगा होता है, वो कैसे काम करता है, आपके घर पे भी मोटर लगे होते हैं हर एक चीजों में उसको रोटेट करने के लिए, तो वो कुछ किस तरीके से काम करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण का मतलब आप समझते हैं ना, किसी को प्रेरित करके उकसा देना, आप बोलते हो ना किसी को चढ़ाकर पेड़ पे चढ़ा दो फिर उसका पैर खींच दो, तो उसी तरीके से कुछ पदार्थ भी होते हैं, किसी एक पदार्थ में करंट का प्रवाह होता है तो उसके समीप कोई दूसरा चालक रखेंगे तो इसकी वजह से इसमें भी करंट का प्रवाह होने लगता है, इसी बोलते हैं हम प्रेरण। कैसे काम होता है तो वो भी हम चैप्टर के अंतर्गत ही डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, यहां पर आपको थोड़ा बहुत हम आइडिया दे पाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, तो यह भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जैसा ही होता है। फिर आता है विद्युत जनित्र, जनरेटर आप देखे होंगे घर पे आपके, जनरेटर पहले शादी विवाह में आते थे अब भी आते हैं, अब बड़े बड़े जनरेटर आते हैं, तो वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है, जनरेटर से कैसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, यानी कि बैटरी से जो धारा मिलती है उसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा, और घर पे आपके जो विद्युत धारा आती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोगों को और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो नेक्स्ट और लास्ट इकाई आता है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, यह भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, परितंत्र क्या होता है, परितंत्र का मतलब पूरा इकोसिस्टम जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव रहते हैं, मतलब समुद्र में भी जीव रहते हैं, यानी कि पृथ्वी तल है तो तल से नीचे भी कुछ जीव रहते हैं और तल के ऊपर भी कुछ जीव रहते हैं, तो उन सभी चीजों को मिलाकर परितंत्र बनता है। पर्यावरणीय समस्याएं, और पर्यावरण में किस प्रकार की समस्याएं आती है, तो प्रतिदिन जो जीव होते हैं वो अपने खान पीन के लिए, अपने लाइफ को आगे चलाने के लिए एक दूसरे में स्ट्रगल करते हैं, उनके आपस में कई सारी लड़ाइयां होती रहती हैं, क्योंकि हर एक जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम हैं, अगर पेड़ ना हो तो हम नहीं रह सकते हैं, अगर हम भी नहीं हो तो पेड़ भी नहीं रह सकते हैं, यानी कि एक छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इस चैप्टर में आपको यह क्लियर कट पता चलेगा। ओजोन परत का अपक्षयन, तो ओजोन लेयर क्या होती है, बहुत ही बड़ी समस्या जिसके ऊपर सभी देश लगातार काम कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे तक आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें इतनी हानिकारक है, अगर वो हमारी बॉडी पर पड़े तो हमारी बॉडी झुलस सकती है, हम कैंसर जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। तो यह इन हानिकारक विकिरण को हमारे तक आने से रोकती है,
तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, यह दिन प्रतिदिन इसकी परत पतली होती जा रही है। किसकी वजह से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जिसे आप बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से यह परत दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो इसको बचाने के लिए सभी देश आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इसको किस तरीके से प्रिजर्व कर किया जाए इस पे लगातार काम चल रहा है, तो उन चीजों के बारे में आप समझेंगे। अवशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैसा कि आप जानते हैं कि आप डेली लाइफ में बहुत सी सारे खाद्यान्न पदार्थों का यूज करते हैं, तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब वस्तुएं भी निकलती हैं, तो उनको अगर आप एक ही जगह पे घर पे इकट्ठा करते जाएंगे तो बदबू आने लगता है, तो उनको कहां पर हम रखें यानी कि कहां पर डिस्पोज करें जिससे पर्यावरण में उसका दुष्प्रभाव भी ना मिले और वो हमारे लिए उपयोगी भी हो जाए। तो आप देखते होंगे कि आपके शहरों में एमसीडी की गाड़ियां आती है जिसमें कूड़ा कचरे भर के लोग ले जाते हैं और एक शहर से दूर किसी जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कई प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन करा के उनको खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसका रीयूज भी कर लिया जाता है। तो अवशिष्ट उत्पादन उत्पादित कैसे होते हैं, फिर उसका निवारण कैसे करना है, इन चीजों के बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि जो बायोलॉजिकल पदार्थ होते हैं वो कुछ बायोलॉजिकल पदार्थ ऐसे होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं यानी कि जिसको आप कन्वर्ट दूसरे पदार्थ में कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको अनकन्वर्टेबल होते हैं, जैसे पॉलीथीन है अब ये जल्दी रीयूज नहीं होता है, ये वैसे ही पड़ा रहता है, अगर आप पर्यावरण में छोड़ देंगे तो ये लंबे समय तक खराबी नहीं होता है, एटलीस्ट खराबी नहीं होता है, तो उन पदार्थों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स के अंतर्गत और दो चैप्टर हैं जो आपको क्लियर कट नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपका प्राकृतिक संसाधन तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा दो और चैप्टर बचते हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना फिजिक्स में। तो ये रहा आज का आपका कंप्लीट सिलेबस। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट और फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।